दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल बाय VNY। आ गया मेरा शेर, शेर हमारे देश का शेर जो पाकिस्तान के सरहद के उस पार पाकिस्तान में प्लेन क्रैश होने से पकड़ा चला गया था, वो अब हमारा शेर अभिनंदन आ गया। पूरे भारत में खुशी का लहर है, भारत की जीत है, घुटना पे आ गई पाकिस्तान और बाघा बॉर्डर पर हजारों लोगों ने तिरंगा लेकर जयकारा लगाते हुए एक झलक देखने के लिए जनता भारत की व्याकुल है। देश प्रेम कूट कूट कर जनता में भरा हुआ है कि शेर आवेगा तो उसे देखेंगे। हमारे शेर अभिनंदन कैसे हैं, ये हमारे भारत की जीत है, हमारे भारत की जनता की जीत है, हमारे भारत के सरकार के कूटनीति का जीत है कि पाकिस्तान जैसे घटिया देश को घुटना पर लाने का काम किया और हमारे देश के जो सैनिक है, जांबाज सैनिक, आज हमारे वतन को लौट रहे हैं। अभी अभी की खबर है कि हवाई वाघा बॉर्डर के पास उन्हें लेकर आया जाएगा, वहां वायुसेना के कमांडर वगैरह और दो गाड़ियां पहुंच चुकी है, हजारों लोगों की भीड़ है, पत्रकारों की भीड़ है, एक झलक पाने के लोग व्याकुल हैं, चाह रहे हैं कि एक झलक देखें हम अपने शेर को जिसने पाकिस्तान के विमान को गिरा कर, क्षतिग्रस्त करके गिरा के मार के और पाकिस्तान से बच के निकल गए। पाकिस्तान में जब वो पैराशूट से कूदे थे तो पाकिस्तान की जनता ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, उन्हें मारपीट किया और उनको जख्म पहुंचाने का काम किया। ये चरित्र है भारत के और पाकिस्तान के लोगों के बीच में। पाकिस्तान के लोगों में रहम नहीं, किसी को रहम नहीं करते। जब वो गिरे तो उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें जख्म पहुंचाया गया, बाद में वहां के सैनिकों ने उन्हें बचा कर ले गया। अगर सैनिकों में आने में देरी होती सैनिकों को, तो हमारे पाकिस्तान की जनता हमारे जवान को मार दिया होता। हमारे जवान ने दिलेरी के साथ एक पोखर में कूदा और अपने डॉक्यूमेंट्स को जहां तक फेंकना था उसने फेंक दिया। वो हमारे देश के जांबाज सिपाही आज वतन लौट रहे हैं। उनकी किस्मत और पाकिस्तान की घटिया सोच और पाकिस्तान के लोगों की घटिया सोच का ये परिणाम है कि उन्हें उनके साथ मारपीट किया गया। वीडियो प्रसारित हुआ, आप भी देखे होंगे, हमने भी देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा, पूरा वर्ल्ड देखा। उनको लातम मुक्कम पीटा गया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। एक सैनिक के साथ इस तरह की घटना करना बड़ी निंदनीय है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि जब वो लौट कर आवेंगे तो इंटेलिजेंस, भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो के मेंबर उनसे वार्तालाप करेंगे, उनका मेडिकल करावेंगे। मेडिकल के बाद यह देखा जाएगा कि उनके साथ कितना चोट पहुंचाया गया, क्या क्या किया गया, कोई नशा तो नहीं खिलाया गया, ड्रग्स वगैरह तो नहीं दिया गया, और पूछताछ उनसे की जाएगी कि हमारे भारत के विषय में उनसे क्या क्या पूछा, क्या क्या उनसे प्रश्न किया उन लोगों ने, और इन्होंने क्या क्या बताया। यह पूछा जाता है रूटीन वे में, ताकि भारत के अन्य अपने सिपाहियों को ट्रेनिंग में यह बताई जाए कि तुम्हें पकड़ने के बाद दूसरे देश के सैनिक ऐसा ऐसा प्रश्न करेंगे और वहां ऐसे ऐसे जवाब देना है। जो हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग हैं उन पूछताछ करेंगे और पूछताछ करके सारी बातों को मिलावेंगे। मिलाने के बाद देखा जाएगा कि पाकिस्तान ने कैसा व्यवहार किया और पाकिस्तान ने इनसे क्या क्या जानकारी लेने का कोशिश किया। लेकिन जैसा सूत्रों से मिली रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बताऊं कि हमारे इस जवान सिपाही ने एक भी शब्द अपने देश के बारे में नहीं बताया और बड़े ही दिलेरी और जामबाजी के साथ अपने आप को भारत माता का पुत्र होने का इन्होंने साबित करके दिखाया कि मैं भारत माता का पुत्र हूं और भारत के गौरव को बढ़ाने का काम किया। अब आ जाएगा हमारा शेर, कुछ ही घंटों में, कुछ ही पल में लोगों को दिखाई पड़ेगा कि हमारा शेर आज पाकिस्तान के सरहद को लांघते हुए भारत के सरहद में प्रवेश करेगा।
दुनिया देख रही है। आज मुस्लिम कंट्रियों का बैठकें चल रही है जिसमें पाकिस्तान के कोई भी नुमाइंदे नहीं गए, कुर्सियां खाली पड़ी हुई है। और सुषमा स्वराज हमारे विदेश मंत्री ने वहां जाकर यह बात रखा कि हमारे भारत नहीं पूरे विश्व के लिए खतरा बना हुआ है आतंकवाद, अब पूरे विश्व को मिलकर आतंकवाद को समाप्त करना चाहिए। ये हमारे भारत के सरकार की कूटनीति है, उसने पूरे वर्ल्ड के देश को अपने साथ मिलाने का काम किया। और मुस्लिम कंट्री जब इन्हें निमंत्रण दिया तो पाकिस्तान ने विरोध किया और पाकिस्तान आज उसमें नहीं पहुंचे, बेदखल हैं। और सुषमा स्वराज ने अपनी बात रखी और रख रही है, सारे लोगों को मिला, सारा देश का समर्थन हमारे भारत को मिला हुआ है। हमारे भारत के जांबाज सिपाही आज किसी से कम नहीं है। हम भारत के लोग भारत के लिए मर मिट सकते हैं, भारत के लिए अपनी जान दे सकते हैं, भारत माता की जय कहते कहते शहीद होने के लिए तैयार हैं। ये बड़े ही गर्व की बात है हमारे भारत के जनता के लिए कि हमारे भारत लौटकर हमारे शेर आ गए। एक झलक पाने को लोग व्याकुल हैं, एक झलक के लिए लोग तरस रहे हैं, तरह तरह के झंडा लेकर और अपने गालों में तिरंगा लगाकर तरह तरह की गाड़ियों से लोग पहुंचकर जयकारा लगा रहा है। अब नहीं तो कभी नहीं, ये एक माहौल है अपने देश के, देशभक्ति का एक नजारा है जो कभी नहीं देखा जा सकता। आपको मैं बताऊं कि जनता में इतना उत्साह भरा हुआ है कि जनता हर तकलीफ को सहने के लिए तैयार है। और पाकिस्तान को घुटना पर आना भारत की जीत है और जनता यह चाहती है कि हमारा सैनिक हमारे पास आए, उसके बाद भी लड़ाई जारी रहे और आतंकवाद को जड़ से समाप्त कर दिया जाए। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों ने सराहना किया और भारत के प्रधानमंत्री या भारत के जितने भी सैनिक अधिकारी हैं और जितने जवान हैं उन पर गर्व लोगों को हो रहा है कि हमारे जांबाज सिपाही अभिनंदन लौटकर हमारे वतन को आए और लोग देख के जयकारा लगाते हुए जय भारत माता की जय कहते हुए खुशी मना रहे हैं। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।